आज बुराई पर अच्छाई का त्योहार विजयदशमी है, जिसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में इस मौके पर आरएसएस ने खास कार्यक्रम का आयोजन किया है। विजयदशमी पर नागपुर में आरएसएस की शस्त्र पूजा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्रों की पूजा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि असंगठित होने से हम कमजोर होंगे और अत्याचार को निमंत्रण जो है किसी भी कीमत पर अत्याचार नहीं सहा जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सामरिक तौर पर भारत की ताकत बढ़ी है। एक द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगा, महाभारत हो गया। एक सीता का हरण हो गया, रामायण हो गया। यहां पर कैसी घटनाएं घट रही है? अब कलकत्ता में जो हुआ अर्जीकर अस्पताल में, लज्जाजनक घटना है, हम सबको कलंकित करने वाली घटना, और ये एक नहीं है। घटनाएं होती है, उसका नियंत्रण वगैरह करना, जैसे वहां खड़े हो गए समाज के सब लोग डॉक्टर लोगों के साथ, घटना होने ही नहीं देना, इसलिए चौकन्ना रहना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। परंतु होने के बाद भी वहां जिस प्रकार से टालमटाल का प्रयास हुआ, अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास हुआ, ये जो अपसंस्कृति पहली है उसके साथ अपराध और राजनीति का जो गठबंधन हो गया है उसके ये परिणाम है। उनको आवश्यकता है मदद की, विश्वभर के हिंदुओं की, भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। परंतु इससे ये ध्यान में आता है, और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए, कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है ये निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं, इसको हमको करना ही पड़ेगा। तो सुना आपने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का क्या कहना था। उन्होंने कहा कि अगर हम कमजोर होंगे और एकजुट नहीं होंगे तो सीधे तौर पर हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं, इसलिए हमें एकजुट होना ही पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली के द्वारका में दुनिया का सबसे बड़ा रावण का पुतला बनाया गया है। यह पुतला 211 फीट का है, जिसे दिल्ली के रामलीला मैदान में लगाया जाएगा और आज दशहरे पर इसी पुतले का दहन होगा। रावण के इस पुतले को अंबाला के 40 कारीगरों ने 40 दिन में तैयार किया है और इसे बनाने में 30 लाख की कीमत आई है। तो इस बार सेक्टर 10 द्वारका की रामलीला सोसाइटी में विश्व का सबसे बड़ा रावण का पुतला लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये वही पुतला है जिसकी बात हम कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा पुतला रावण का है ये, और बताया जा रहा है कि 211 फीट इसकी लंबाई है, जो अब तक का सबसे बड़ा रावण है। और इस रावण को बनाने में, यानी कि इस पुतले को तैयार करने में 40 कारीगरों ने अपना सहयोग दिया है। और कितने दिन लगे हैं, क्या कुछ इस रावण की विशेषता है, क्योंकि हर कोई इस रावण को देखने के लिए द्वारका 10 के श्री रामलीला सोसाइटी में पहुंच रहा है। लोग इस रावण की जो प्रतिमा है, यानी कि जो पुतला बनाया गया है, इसे अपने फ़ोन में कैप्चर कर रहे हैं और लोग लंबी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। तो सेक्टर 10 रामलीला सोसाइटी के चेयरमैन राजेश गहलोत हमारे साथ हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अभी तक का सबसे बड़ा, लंबाई में सबसे ऊंचा रावण ये तैयार किया गया है, कितने दिन लगे, कहाँ के कारीगरों ने इसे बनाया? मैडम, दुनिया का सबसे ऊंचा रावण है ये, क्योंकि इंडिया में ही सबसे ऊंचे जलते हैं, दहन होते हैं, तो दुनिया का सबसे ऊंचा रावण है और 211 फुट इसकी हाइट है।
अंबाला से इसके कारीगर आए थे और 4 महीने का समय इसको बनाने में लगा है। दमोह में परंपरा के अनुसार नवमी पर्व पर रावण दहन का आयोजन किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी मौजूद रहे। सांसद राहुल सिंह लोधी ने भी रावण दहन का कार्यक्रम देखा। रावण दहन के पहले आतिशबाजी की गई। बता दें कि राम रावण युद्ध के बाद रावण के पुतले का दहन किया गया। बता दें हजारों की संख्या में लोग रावण दहन देखने के लिए पहुंचे थे। अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक पर्व दशहरा आज बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा और जा रहा भी है। रीवा के एनसीसी मैदान में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला बनकर तैयार हो चुका है। आयोजक समिति ने दशहरा उत्सव को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कार्यक्रम की शुरुआत रीवा किला से होती है, जहां पहले महाराज पुष्पराज सिंह गद्दी पूजन करते हैं और उसके बाद किला से सुंदर सुंदर झांकियां निकाली जाती हैं। समारोह शुरू होता है, शहर के कई इलाकों से होते हुए एनसीसी मैदान पहुंचेगा, जहां रावण दहन किया जाएगा। रावण दहन से पहले कई कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। रावण का जो पुतला है 45 फुट के मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले हैं। और क्या कैसी तैयारियां? तैयारियां सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है। जब वो शोभा यात्रा आती है तो उसके बाद फिर भगवान राम के द्वारा रावण वध का सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह भी रखते हैं। सांस्कृतिक भजन संध्या का कार्यक्रम, उसमें कुछ बाहर के कलाकार हैं अपना भजन संध्या करते हैं। तो बरसात को लेकर क्या कैसे व्यवस्था बनाई गई है? बरसात को लेकर जो अपना स्टेज का जो अपना टेंट पंडाल रहता है उनका, वो स्टेज वो वाटरप्रूफ किया जाता है और रावण की भी थोड़ा बहुत सेफ्टी जितनी पॉसिबल हो सकती है उतनी की जाती है। बाकी ज़्यादा बारिश में तो ईश्वर के हाथ में, ज़्यादा बारिश हो तो फिर क्या हो सकता है? ज़्यादा बारिश में फिर अपन उसको थोड़ा सा उसमें ये आपका पेट्रोल या मिट्टी का तेल इस तरह की इंतजाम करना पड़ता है। बारिश नहीं होती तो नॉर्मल कौन है। और अब खबर इंदौर से, जहां कैलाश विजयवर्गीय ने मंच पर गाना गाया है। पत्नी आशा के साथ पहुंचे थे बंगाली क्लब, पत्नी की तरफ इशारा कर उन्होंने काफी रोमांटिक गाना गाया है। बंगाली क्लब की छत को पक्का करने के लिए ऐलान किया, 10 लाख रुपए सहायता राशि देने का भी उन्होंने ऐलान किया है। काफी अनोखा अंदाज जो है कैलाश विजयवर्गीय का देखने को मिला। बुरहानपुर जिले के शाहपुर में रात के अंधेरे में घर की दहलीज पर जहरीला सांप बैठा था, जिसके बाद परिजनों में अफरा तफरी मच गई। देर रात होने के कारण सर्पमित्र भी नहीं मिला तो वहीं पड़ोस के रहने वाले युवक ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। ये देखिए बुरहानपुर जिले के शाहपुर में रात के अंधेरे में घर की दहलीज पर ही बैठा था जहरीला सांप। अगर इस पर नजर नहीं पड़ती उस वक्त तो किसी न किसी पर यह हमला जरूर कर देता जहरीला सांप। परिजनों में अफरा तफरी और डर का माहौल। देर रात होने के कारण सर्पमित्र भी नहीं मिला, लेकिन पड़ोस के रहने वाले एक युवक ने, एक शख्स ने ही सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा।
और अब खबर गुजरात के जामनगर से है। जामनगर राज परिवार से जुड़ी खबर आ रही है। पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। जाम साहब शत्रुशल्य सिंह ने भारतीय पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा को उत्तराधिकारी चुना है। इसका मतलब हुआ कि अब शाही परिवार की विरासत अजय जडेजा संभालेंगे। गुजरात के जामनगर राज परिवार से जुड़ी खबर है ये। पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा को उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। जाम साहब शत्रुशल्य सिंह ने भारतीय पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा को उत्तराधिकारी चुना है। मंदसौर के भगौर गांव से खबर है, जहां भक्तों ने अंगारों पर नंगे पैर चलकर अपनी आस्था जाहिर की है। मान्यता है कि बीमारी से पीड़ित शख्स अगर अंगारों से होकर गुजरेगा तो वो हर बीमारी से ठीक हो जाएगा, और ये प्रथा सालों पुरानी है जो लंबे समय से चलती आ रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।